गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट। ओके, आई वुड लाइक टू गिव हार्टली थैंक्स टू एसी सर एंड डीसी सर टू गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू टीचिंग ऑनलाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों, आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास जो मैटर है, सब्सटेंस है, वो प्योर है या नहीं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ना है उनको देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है उन पर फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। अबाउट सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, होमोजेनस एंड हेटरोजेनस मिक्सचर एंड देयर प्रॉपर्टीज। दीज आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेटरोजेनस, एंड वी हैव टू लर्न अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, देयर एग्जांपल्स अराउंड अस। ओके, सॉल्यूशन, इट्स कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट अलॉयज एंड देयर प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन, दीज आर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर कोलाइड, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर आल्सो नोन एज ओनली कोलाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, इट्स सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। इन द अंडर दिस टॉपिक वी हैव टू लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन आल्सो। ओके, लास्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एंड ए टॉपिक इज आल्सो देयर अबाउट एलिमेंट्स कंपाउंड्स। ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, छोटा सा टॉपिक है लास्ट में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इजी है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट मैटर। मैटर आल्सो यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर 1, अबाउट मैटर वी हैव टू रिवाइज। Any substance that occupies space and has mass is called matter, like water, soil, stones and many other things. Okay, मतलब कोई भी things है, objects है, जो क्या करती है, that occupies space, space अपने मतलब स्थान घेरती है, okay, and has mass, mass का मतलब उसमें कोई कंटेंट है, मैटर है, पार्टिकल्स हैं, दैट इज मैटर। गैसेस आल्सो मैटर, बिकॉज इट कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स लाइक डिफरेंट गैसेस, स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, सो मेनी पार्टिकल्स। ओके, मैटर मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस मैटर।
एज यू हैव अर्लियर स्टडीड, मैटर इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी मैटर किससे बनता है, सब्सटेंस से बनता है. लाइक द बॉडी ऑफ एनी लिविंग बींग्स इज मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स, सेम हियर एनी मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. ओके, सब्सटेंसेस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड है, इन सॉलिड द इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस, बिकॉज लीस्ट, बहुत कम डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स के बीच, मोर डिस्टेंस एंड वेरी लार्ज डिस्टेंस इन गैसियस सब्सटेंस. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट डिफाइन द सब्सटेंस. हाउ यू कैन डिफाइन द सब्सटेंस? सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर का जो सिंगल फॉर्म होता है, सिंगल यूनिट होती है, दैट इज सब्सटेंस. ओके स्टूडेंट्स, लाइक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, सो मेनी एलिमेंट्स. ओके, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है सभी सब्सटेंसेस हैं. जितने भी कंपाउंड्स हैं, H2O, NaCl, HCl, सो मेनी कंपाउंड्स आर देयर, दीज आर सब्सटेंसेस. ओके, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो फर्स्ट यू हैव टू नो दैट हाउ वी कैन कैटेगराइज, हाउ यू कैन क्लासिफाई द सब्सटेंस. सब्सटेंस इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. मतलब जो भी सब्सटेंस है, हम उसको अदर पार्टिकल्स या उसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ओके, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, दीज आर सम फिजिकल प्रोसेस. तो इसके द्वारा इनको सेपरेट नहीं कर सकते, है ना. वी कैन सेपरेट बाय सम स्पेशल प्रोसेस, स्पेशल मेथड्स, स्पेशल मीन्स लाइक इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या, इट कंटेन्स सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेम टाइप ऑफ एटम्स. इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंस को भी अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर आर एनी सब्सटेंस. ओके, इट इज टोटल प्योर फॉर्म. इट कंसिस्ट ओनली सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सोडियम, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, एनी एलिमेंट. ओके, इट कंसिस्ट, इट पॉसेस ओनली सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए 10 ग्राम ऑफ सोडियम, देन 10 ग्राम ऑफ सोडियम contains only sodium atoms. मतलब 10 ग्राम है लेकिन उसमें पूरे सोडियम एटम्स ही होंगे, दैट इज एलिमेंट्स. ओके, लाइक हाइड्रोजन, आयरन एंड अदर एलिमेंट्स. सॉरी, फिर कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स. ओके, more than one type of elements like H2O, NaCl, sodium chloride, copper sulfate, hydrochloric acid, so many compounds are there. Okay, so these are the pure substances. Okay, in compound, okay, there is a certain ratio of एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड. ओके, फिर मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और
डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, इन मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इज नॉट फिक्स आर नॉट सर्टेन नॉट डिफरेंट. इट कैन बी एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो सकता है, कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है. ओके, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर मीन्स इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स एंड इक्वल साइज ऑफ पार्टिकल्स. मतलब जो भी इस मिक्सचर के पार्टिकल्स होंगे वो इक्वल साइज के होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका. लाइक सैंड, सैंड पार्टिकल्स, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड शुगर, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय जनरल फिल्ट्रेशन. यू कैन डू दैट एक्टिविटी एट योर होम, घर में आप कर सकते हैं. सॉल्यूशन आप बनाइए वाटर और साल्ट का, फिर उसको फिल्टर करके देखिए कि साल्ट सेपरेट होता है कि नहीं होता है, फिल्टर होता है कि नहीं होता है. ओके, फिर वाटर एग्जांपल है साल्ट वाटर, वाटर एंड लेमन जूस, शुगर वाटर, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर ऑफ होमोजेनस सॉल्यूशन. फिर हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन इट कंसिस्ट नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. मतलब इसमें पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा. ओके, वी कैन सी द पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स. ओके स्टूडेंट्स, लाइक सैलेड, सलाद जो होती है उसमें रेडिश अलग दिखेगी, टोमेटोज अलग दिखेंगे, ओनियन अलग दिखेंगे. दैट इज हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ओके, लाइक द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. ओके, वी कैन सी देम सेपरेटली. इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन इन अदर फिजिकल मेथड्स. इनको अपन सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सैंड वाटर, देयर आर मेन एग्जांपल्स ऑफ heterogeneous solution. Okay, then next slide we are going to see some examples of, more examples of heterogeneous and homogeneous solution. By this you can, your concept can be clear better. Some images are there, elements. मैंने इसमें इमेजेस के थ्रू समझाने की कोशिश की है. एलिमेंट्स, इट कंटेन्स सेम टाइप ऑफ एटम्स. ये देखिए एलिमेंट सभी सेम टाइप के हैं. ये क्या है, मॉलिक्यूल्स. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स. ओके, फिर कंपाउंड्स, compound possesses more than one type of elements but in certain ratio, in different ratio. Okay, that is better compounds. Like H2O, H2O हमने लिखा. अब H2O की quantity कितनी भी हो, suppose that we take a 100 ml H2O. okay, when we analyze one molecule of H2O, then we found, many scientists have found the ratio of each atom, each molecule is same. So the ratio of mass of hydrogen and oxygen is 2:1. So jo hydrogen aur oxygen ka ratio 2:1 का होगा इन ईच मॉलिक्यूल. फिर ये होमोजेनस सॉल्यूशन है. होमोजेनस सॉल्यूशन में हमने वाटर और शुगर लिया, मिक्स किया. मिक्स करने पे हमने क्या देखा, ये वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट वाटर एंड
sugar in this mixture. Okay, इस सॉल्यूशन में हम वाटर और शुगर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ना इसमें वाटर के मॉलिक्यूल दिखेंगे सेपरेट ना शुगर के. ओके स्टूडेंट्स, ये भी वाटर सॉल्ट है. सी दिस मिक्सचर, देयर आर टू लेयर्स आर देयर, वन लेयर इज वाटर एंड वन लेयर इज सैंड. ओके, वी कैन इजीली differentiate water and sugar. So that mixture is heterogeneous solution or heterogeneous mixture. Okay, see next video for better understanding. Okay students, that is video. See this video carefully. Matter present in our surrounding can be classified as pure substances and mixtures. A mixture is a combination of two or more substances which are not chemically the same and do not chemically react together. A mixture has the same properties as that of its component elements and can be separated by physical means. In a mixture of sugar and sand, even if we increase the volume of sugar or sand, the mixture remains the same. So it implies that in a mixture, the components can be present in any proportions. When we dissolve common salt in a glass of water, we will obtain salt solution. Similarly, put some mud in a glass containing water and stir it well. We will obtain a mixture with the solid particles of mud dispersed in water. By carefully observing, you will find that in common salt solution, no salt particles settle down to the bottom of the glass. But in the glass containing muddy water, some solid particles settle down to the bottom of the glass. This explains that mixtures have different compositions. Accordingly, mixtures can be classified as homogeneous and heterogeneous. A homogeneous mixture has the same uniform appearance and composition throughout. Many homogeneous mixtures are commonly referred to as solutions. A solution is a mixture of two or more substances in a single phase. The substance in the largest amount is called solvent and the substance in the smallest amount is called solute. Now, consider the case of the common salt solution we have prepared. Here, water is the solvent and salt is the solute. Homogeneous solutions are classified as different types based on the solvent and the solute. 1. Liquid in liquid solution. 2. Solid in liquid solution. 3. Gas in liquid solution. In a solution of vinegar in water, both the solvent and solute are liquids. Hence, it is a liquid in liquid solution. In the case of common salt solution, it is a solid in liquid solution. The best example of gas in liquid solution is soda water. Soda water contains carbon dioxide gas. Let's understand heterogeneous solutions. Suspensions and colloids are heterogeneous mixtures. A suspension is a mixture of large particles. The size of the particles in a suspension is of the order of 10 to the power of minus 5 centimeters or larger. In a suspension, the solute particles do not dissolve, but they are suspended throughout the solvent. The muddy water which we had prepared is a suspension. Colloids are also heterogeneous mixtures, but they appear like a homogeneous mixture. Milk is a good example. In this video consists also some types of solutions. In these types of solutions like colloids and suspension, in these type of solution we will study further videos, so don't be confused. Okay students, see again. Of colloids, the particle size in colloids is smaller than 10 to the power of minus 5 centimeters. In colloids, the particles are uniformly distributed throughout the solution. Colloidal particles cannot be seen with the naked eye because of their small size.
but their presence can be observed with the help of an ultra microscope or an electron microscope. What is the effect of light in homogeneous and heterogeneous mixtures? Let us understand how light affects colloidal solution. When egg albumin is taken in a glass beaker and some water is added to it, we get a solution of egg albumin. Solution. If we were to shine a beam of light from a torch through the beaker, the light is scattered by the colloidal particles and the path of light can therefore be observed. The light scattering effect shown by particles in a colloid was first explained by the British physicist John Tyndall. The effect is known as the Tyndall effect. In the case of a suspension, light does not pass through it. In a true solution of salt in water, we will not see the path of light as there is little scattering of light. Things to remember. Mixtures are composed of variable proportions of different substances without chemical bonding and have the same properties that of its component elements. Homogeneous mixtures have the same uniform composition and appearance throughout, whereas heterogeneous mixtures consist of visibly different substances or phases. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, and the substance present in the largest amount is called solvent, and that present in the smallest amount is called the solute. Suspensions are a heterogeneous mixture of large particles on the order of 10 to the power of minus 5, in which the solute particles are suspended throughout the solvent. Colloids are heterogeneous mixtures in which the particles are uniformly distributed throughout the solution and the particle size is smaller than 10 to the power of minus 5 centimeters. The light scattering effect shown by particles in a colloid is known as Tyndall effect. Okay, students, I hope you have got it. Then next, about solution के बारे में पढ़ेंगे. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. मतलब क्या है solution क्या है? It is a homogeneous mixture of two or more substances. Okay, students. It is a homogeneous mixture of two or more substances. Mixture can contain solid. Solution likhna tha by mistake. Solution. Solution can contain solid, liquid or gas as constituent. मतलब solution में gas, liquid या solid कोई भी particles हो सकते हैं. Okay, examples of solution: lemonade, it is a solution of lemon juice, water and sugar. Okay students, there are many examples of solution. Solution can be solid, liquid or gas. Okay. Next, composition of solution. Components of solution. कौन-कौन से part हैं उसके? Parts of solution. So there are mainly two parts of solutions: solvent and solute. Okay. What is a solvent? It is a component that dissolves the other component. मतलब it is a part that dissolves the अदर सब्सटेंस. मतलब वह पार्ट जो दूसरे सब्सटेंस को अपने में डिसॉल्व करता है. ओके, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ द
solution of water and salt, then in this solution water is solvent and salt is solute. Okay students, got it? The solvent is usually present larger quantity in the solution. Solution में जो solvent होता है वो generally larger amount में होता है, quantity में होता है. Okay, ये examples. Example in the solution of sugar and water, water is solvent. तो solute क्या है? It is the component that is dissolved in other component. मतलब जो दूसरे में डिजोल्व होता है दूसरे कंपोनेंट में, दैट इज सॉल्यूट इट एंड इजीली इट इज लेसर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन. ओके, कॉल्ड सॉल्यूट. यस, शुगर इसमें सॉल्वेंट है. ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट. और यहां पर केवल हम फिजिकल स्टेट के बेस पर पढ़ेंगे. ओके, एज अर्लियर यू हैव वॉच्ड इन वीडियो, देयर आर अनदर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कोलाइड इन सस्पेंशन. दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑफ पार्टिकल्स. ओके, वी विल स्टडी फर्दर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन. ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशंस फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशंस कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोस. पहला है लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन इट कैन इन दिस लिक्विड सॉल्यूशन दे आर द constituents of in this solution can be solid, liquid or gas also. Solid in liquid can be solid in liquid like salt and water. Liquid solution also can be consist liquid in liquid, vinegar in water example. It can also contain gas in liquid like soda water, like upon Sprite, it is also a soda water. Gas in gas, it is termed as, it can be termed as gaseous solution. मतलब इसकी जो last stage मिलेगी solution की क्या होगी? Gaseous होगी, like air. Air क्या है? Air में there are, it contains many type of particles, smoke particles, dust particles, okay, and many other particles. फिर solid in solid, that is called solid solution like alloys. Alloys kya hai? Alloys are generally solid, matlab ye solid hoti hai, but these are obtained during in their molten state. Inko jo preparation hota hai wo inki molten state mein hoti hai, but at last jo फाइनल ऑप्टेन होती हैं सॉलिड होती हैं. यू हैव सीन लाइक ब्रास, ब्रास आपने देखा होगा, कॉपर और जिंक मिक्स होता है उसमें, ठीक है. एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ड्यूरेलुमिन, ओके, गन मेटल्स, दीज आर सम एलॉयज यू कैन स्टडी फर्दर थ्रू अदर सोर्सेस. ओके स्टूडेंट्स, then other classification of solution, aqueous and non-aqueous solution. Aqueous solution means the solution which is obtained by dissolving different substances in water. मतलब जो water में solution हम बनाते हैं, water में कोई substance dissolve करते हैं, कोई material dissolve करते हैं, that is aqueous solution. Okay, like salt in water, so many examples are there. Sugar in water, सीधा सा एग्जाम्पल है, और इसका सिंबल अपन ए क्यू लिखते हैं. टेंथ में पढ़ेंगे सिंबल्स, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो एक्वस वर्ड यूज करते हैं, मतलब इट इज द
solution in water. Okay. Now request this solution is obtained by adding any substance other than water. मतलब जब कोई भी मैटर को हम एक्सेप्ट वाटर डिजॉल्व करते हैं दैट इज नॉन इक्वेस सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है वन बाय वन स्टडी करेंगे. इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. होमोजेनस इसका नेचर होता है दैट इज आल्सो टर्म एज ट्रू सॉल्यूशन. होमोजेनस सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे. नेक्स्ट है द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन वन नैनोमीटर. जो पार्टिकल्स सभी सेम होते हैं इनका साइज क्या होता है वन नैनोमीटर. वन नैनोमीटर आल्सो वी कैन राइट इन अनदर यूनिट 10^-9 मीटर. ओके, वन नैनोमीटर इक्वल टू 10^9 मीटर. थर्ड पॉइंट, दे कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेकेड आईज. तो इसके एक पार्टिकल को हम नेकेड आईज से नहीं देख पाएंगे. ओके, फिर दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. एज यू हैव सीन इन अर्लियर वीडियो व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू एन कोलाइडल सॉल्यूशन देन इट सॉल्यूशन स्कैटर द लाइट ऑफ बीम. ओके, बट ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. मतलब यदि हम लाइट पास करेंगे तो कोई शाइनिंग हमको सॉल्यूशन में नहीं दिखेगी. ओके, ट्रू सॉल्यूशन में द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. यू कैन डू एट योर होम दिस एक्टिविटी. ओके, आप करके देख सकते हैं. इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते जनरल फिल्ट्रेशन. ओके, बाय फिल्टर पेपर आर जनरल फिल्ट्रेशन बाय सॉल्यूट. नेक्स्ट है द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब. मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन होगा हम कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब पोजीशन में तो सेटल डाउन नहीं होंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स. मतलब द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट गेट सेटल डाउन इन ट्रू सॉल्यूशन. देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एलॉयज. छोटा सा टॉपिक है एलॉयज, एनसीईआरटी बुक में भी है. एलॉयज क्या है? दीज आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स. ओके, मतलब कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलॉयज कैन बी मेटल एंड आल्सो नॉन मेटल्स. ओके स्टूडेंट्स, मेटल्स आर मिक्स्ड टू ईच अदर इन देयर मोल्टन स्टेट. मतलब जब हम एलॉयज बनाते हैं तो इनको मेल्ट करके बनाते हैं. ओके, एग्जाम्पल है ब्रास इज एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. यू कैन स्टडी थ्रू अदर सोर्सेस डिटेल स्टडी. ओके, आप इसकी स्टडी अदर सोर्सेस कर सकते हैं इसकी डिटेल स्टडी, बट इन अवर सिलेबस देयर इज नो मोर डिटेल इज गिवन. ओके, एलॉयज आर ए टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. एट लास्ट वी गेट ए सॉलिड सब्सटेंस. ओके, एलॉयज आर लेस रेजिस्टेंस एंड हैव मोर स्ट्रेंथ. व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर एलॉयज, एलॉय बनाने की जरूरत क्या है? ओके, तो एलॉयज में सब स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट इज इट इज वेरी लेस रस्टिंग. ओके, इट्स वेरी
लेस रेस्टिंग, मतलब इसमें रेस्टिंग बहुत कम होती है, मीन्स वी कैन से इट इज रेस्ट रेजिस्टेंस एंड हैव मोर स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, इट इज ऑल्सो ए मोर ड्यूरेबल। ओके, लाइक यू हैव सीन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील ब्लेड जो होती स्टेनलेस स्टील, इसमें रेस्टिंग नहीं होती। ओके, ब्रश देखा होगा, ठीक है, पीतल जिसको बोलते हैं, इसमें भी रस्ट नहीं लग होती है। ओके, जंगा नहीं लगता है, ठीक है। थैंक्स बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम वी विल स्टडी अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड अदर रिमेनिंग टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।